खड़ा हूँ अभी, जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ तक भी भीड़ हो सकती थी, मगर फिलहाल अभी कुछ नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद थोड़े लोग पैनिक हैं, रश कम है, मगर फिर भी लोग धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुके हैं, तो देख सकते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग अमरावती सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अमरावती सिटी के अंदर हम इस समय मौजूद हैं अमरावती के रेलवे स्टेशन पे। ये काफी ज्यादा अभी मॉडिफाई हो चुका है, बहुत ज्यादा ये जो है अभी कलर्ड भी हो चुका है। इसको मैं सामने से सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, ये सब कुछ है, इसी से हम हैं और ये हमसे है जी। हमें बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के तिरंगे की, ये लहराता है इसी तरीके से शान और शौकत के साथ, यही अल्लाह से दुआ है। तो चलेंगे अंदर, अंदर इसको करेंगे एक्सप्लोर, समझने की कोशिश करेंगे कैसा है प्रीमाइसेस, कैसा है सब कुछ, क्योंकि मैं तो कई सारी सिटीज़ के रेलवे स्टेशन में घुमा हूँ, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अगर ऊपर की तरफ देखो गाइस, ये देख सकते हैं आप ऊपर का, जहाँ तक मैंने इसको ऑफलाइन जो देखा है, एक तरीके से मेलघाट की थीम है यहाँ पर, उसको मेलघाट के थीम में इसको जो है एक तरीके से लेकर गया है, इसका नीश जो रखा गया है पूरी तरीके से मेलघाट का रखा गया है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जिस तरह से देख रहे हो मेरे पिछले सारे वीडियोज़, आप देख रहे हो कि रेलवे स्टेशन पर रश की हम बात करें जो हम बचपन से देखते आए हैं, उसके मुकाबले काफ़ी कम है। उसका कारण है पेंडेमिक और पेंडेमिक के बाद में होने वाली रिकवरी। जी हाँ, तो ये रिकवरी में थोड़ा वक्त लग रहा है। वैसे तो हम लोग इंडियंस हैं, तो हमारा कल्चर है कि हम छोटी से छोटी चीज़ हो, अगर किसी के यहाँ अगर ये बोलिए कि अगर एक नॉर्मल चीज़ हम अगर बोले, अगर किसी के घर में अगर बच्चा भी हो रहा है तो हमारी फुल फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और चार पाँच दिन सेलिब्रेट करते हैं, मगर फिलहाल लोग अपने अपने घरों में हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टिकट काउंटर पर, टिकट काउंटर की हालत देख कर ही आपको पता चलेगा गाइस कि कैसा है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ तक भी भीड़ हो सकती थी, मगर फिलहाल अभी कुछ नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद थोड़े लोग पैनिक हैं, रश कम है, मगर फिर भी लोग धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा प्रीमाइसेस, देख सकते हैं हम इस तरफ, मैंने आप जैसे स्टार्ट से आपको बताया, जैसे हमने एंट्री की थी वहाँ से, मैं तब से आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे रेलवे स्टेशन को जो है एक तरीके से मेलघाट के थीम में जो है रखने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ ये पूरा नज़ारा है, पूरा प्लेटफॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप राइट टू लेफ्ट, ये पूरा प्लेटफॉर्म खामोश शांत, दूर दूर तक कोई नहीं, रेलवे भी नहीं, कोई नहीं, प्लेटफॉर्म पर भी कोई नहीं है गाइस। एक सिटी होने के बावजूद भी शांत है, कोई नहीं है, खामोशी है, और चंद लोग अपने अपनी काम पर बोलिए या फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें है, वरना सब कुछ ठंडा है। जबकि ये एक तरीके के देखा जाए तो महाराष्ट्र का अभी चलता हुआ ये सन यानी कि फेस्टिवल सीजन टाइम आप बोल सकते हो इसका, क्योंकि जो है गणेश चतुर्थी जस्ट खत्म हुई है, अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो उसमें जो है इस तरीके से बोल सकते हो आपकी एक तरीके का ये सीजन टाइम स्टार्ट हो गया है, फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो गया है, मगर फिर भी स्टेशंस के ऊपर भीड़ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, सभी स्टेशंस का मैं जहाँ तक देखूँ, अकोला स्टेशंस पे भी मैं देख चुका हूँ, अकोट स्टेशंस पे भी देख चुका हूँ, और अमरावती में मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इस तरीके का नज़ारा, इस तरीके का सीन मेरे को देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, धीरे धीरे लोग निकलना शुरू हो रहे हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी का वो पूरा ख्याल रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेफ्टी, हमारी सबसे बड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए गाइस। तो देख सकते हैं आप ये पूरा सीन, ये है पूरा अमरावती का प्लेटफॉर्म, काफ़ी क्लीन एंड क्लियर है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा मेंटेन किया, वेल मेंटेन किया हुआ ये जो है आप बोल सकते हो इसको, और काफ़ी कुछ मॉडिफाई भी यहाँ पर अभी हुआ है, अच्छी चीज़ है, अच्छा लग रहा है, मतलब एक तरीके से शांत जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इसको विजिट करें, यहाँ पर रील्स बना सकते हैं, बनाने के लिए मनाही नहीं है, शूट भी कर सकते हो, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, प्लेटफॉर्म टिकट है तो प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर ले लें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।